जो भी एसकेएम था हमारा इसने खाली पहुंचा दिया। ये क्या करते हैं, आते हैं दो मिनट के लिए फिर उसके बाद आते चले जाते हैं। हर एक दफ्तर साइट में आज कंट्रोल मैप बनाते हैं, इसकी कैपेसिटी होती है बिल्कुल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर गठित पांच विभागों की कमेटी ने शिलाई में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 707 का दौरा किया। इस दौरान कंपनी के काम में भारी अनियमितताएं पाई गईं। कंपनी के कर्मचारी अनियमितताओं के संबंध में प्रशासनिक टीमों को सही जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कंपनी के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगी। हर एक दफ्तर साइट में आप कंट्रोल मैप बनाते हैं, हां है, इसकी कैपेसिटी होती है बिल्कुल। ऑलरेडी है क्या घटना? सर ऑलरेडी स्लोप को स्टेबलाइज कर रहा है और कम से कम 70-80 डिग्री को स्टेबलाइज सोच के बोलो स्लोप स्टेबलाइज करना है। लेकिन हम वहां जाएंगे तो बोल के बंदा लड़का नीचे पहुंच जाएगा। सर आपको ऑन स्पॉट मिलेगा सर, हमें बाहर जाते जब जो भी स्कीम था हमारा इसने खाली। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के निर्माण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। समय समय पर सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय लोगों ने निर्माण में धांधलियों के संबंध में शिकायत भी की है। इस बीच एनएच की खुदाई में निकली मिट्टी के अवैध डंपिंग को लेकर एनजीटी में भी पीआईएल दर्ज हुई है। शुक्रवार को एडीसी शिमला की अगुवाई में एनजीटी की ओर से गठित टीम ने शिकायत में दर्शाए गए अवैध डंपिंग स्थलों का दौरा किया। इस दौरान टीम के समक्ष स्थानीय लोगों का जमकर गुस्सा फूटा। क्या करते हैं, आते हैं दो मिनट के लिए फिर उसके बाद चले जाते हैं। जी सुनते खुला ना नीचे पानी गया सबसे अधिक हंगामा गुम्मा बाजार में हुआ। यहाँ स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में काम कर रही कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि इस कंपनी ने सड़क निर्माण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया है। अवैज्ञानिक ढंग से डंपिंग की गई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की बहुत सी जमीन, घर, लिंक रोड, पुराने रास्ते, सिंचाई की नहरें और पेयजल स्कीमें नष्ट हुई हैं। जब मतलब रोड खुला था मतलब सर इन्होंने ऐसा आश्वासन देते गए हमारे को और किया कई बार किया कुछ नहीं सर, आश्वासन दिया जरूर इन्होंने बनाने चाहिए सर मतलब बाल लगती है मतलब क्या करते हैं उसको। पुलिस को सूचना देनी होती 24 घंटे पहले हम जेनेटिन यूज करेंगे, जेनेटिन उड़ाएंगे कितनी मात्रा में उड़ाएंगे, कितने जेनेटिन सिंगा साहब ने मना कर दिया। जब सिंगा साहब ने आपसे बात की थी उस दिन उन्होंने साफ मना कर दिया, मैंने बोले स्कूल को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से टूट गया है। सड़क के साथ लगते कुछ मकान टूट गए हैं और कई मकानों में दरारें आ गई हैं। लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भी घेराव किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जमकर खरी खोटी सुनाई और भ्रष्टाचार के आरोपों में जवाब मांगा। गुस्साए लोगों ने जांच कमेटी के अध्यक्ष एडीसी शिमला अजीत भारद्वाज की गाड़ी को भी रोक रखा था। स्थानीय लोगों ने कुछ मामलों में लिखित आश्वासन के बाद ही एडीसी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और धतरवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक की गाड़ी को जाने दिया। पानी तो खा रहे हैं जा रहा है नीचे, अब उससे क्या मतलब हमें हमारी को नहीं देते थी ये बंद सड़क के साथ साथ सबसे पहले ना ये पानी रोक दो नाली बना दो ये डिस्प्यूट चल रहा है ऑलरेडी। चेंज ऑफ स्कोप में डाले एनजीटी को दी शिकायत में चिन्हित स्थान की जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं को लेकर जांच कमेटी भी गुस्से में नजर आई। एडीसी अजीत भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया कि इस तरह का कार्य अन्यायपूर्ण और जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा गया है। उन्होंने कहा कि कमेटी इसकी रिपोर्ट तैयार कर जल्द एनजीटी को भेजेगी।
दिया सर। 23 मिनट अभी गिरा सर, अभी अब ये इसके बाद ऊपर ऊपर अभी होगी तो ये फिर और बहेगा। मत 8 महीने हो गए इस बॉल को टूटे हुए आपने, उसके बाद तो प्रिकॉशनरी मेजर लिए नहीं जवाब दे ब्लास्टिंग करने का ऑर्डर था, मतलब काचे में ब्लास्टिंग होगी, ये इसमें ब्लास्टिंग इन्होंने दी मिश्रा जी ने, ये वो हेड थे और इन्होंने की। और जो मैं बात कर रहा ये कर चैलेंज करके कहा मेरे को कि तू कौन सी चैलेंज कर लिए, कर लेना जो कुछ करना होगा हम यही कर सकते सर, हाथ जोड़ के करो करने के लिए मना नहीं सर, रोड बनेगा हम जमीन दे रखी सर, हम ही चीज मना कर रहे हैं, लेकिन ब्लास्टिंग करने का क्या जरूरत वाली बात है, सारा ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं होता ब्लास्टिंग का, साइट स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग का स्पेसिफिक अप्रूवल है तो बताइए और झूठ मत बोलिए, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट सर, आप ब्लैंकेट दे दीजिए मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं है ना, ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं मिलता कि जहाँ मर्जी दिल के ब्लास्ट कर लो, साइड पर वहीं ब्लास्ट इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, जो आपने बोला वो झूठ था, गलत था, प्योर फैक्चुअली इनकरेक्ट सर, मैं आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दूंगा सर, तो सामने करो ना अभी, आप अभी दिखाओ हमारे सामने, दिखाओ मेरे को, दिखाओ जो जो मालिक है मैं मालिक मेरे सामने दिखाओ, इस चीज भैया ये कहीं पे रिकॉर्डिंग तो साइड पर है, कोई प्रायोरिटी नहीं है जहां के बस से, उसके बाद हम लोग एसडीएम साहब से परमिशन लेते हैं, पास से परमिशन कि हम सर यहां ब्लास्टिंग कर रहे हैं, हां तो वही तो मांग रहे हैं, हां है सर, अगर है ना वो आप उसको ओपन क्यों नहीं करते ना, सबके सामने दिखाओ, दिखाइए ना, दिखाओ मेरे को, दिखाओ तो मेरे को कॉपी दे दो इसकी, मतलब सुनो सर बता दें कि एक सामाजिक कार्यकर्ता ने काम में अनियमितताओं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और अवैज्ञानिक ढंग से डंपिंग के आरोप लगाते हुए एनजीटी में पीएल डाली है। शिकायत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिमला और सिरमौर डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।